Okay, children, good morning everyone. How are you all? So today I will teach you the page number 3434. The name of the chapter is Meet the Computer. Okay, so in this chapter we will discuss about the parts of the computer. तो इन द प्रीवियस क्लास बेटा आपने पढ़ रखा है कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, है ना? सो वही हम आज यहाँ पे रिवाइज करेंगे. लुक हियर, दिस इज अ कंप्यूटर. सिर्फ एक पार्ट को कंप्यूटर नहीं कहा जाता है बेटा, पूरे ही जब सब पार्ट मिलकर वर्क करते हैं तब उसको कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है? सो First of all, tell me, what is this? This is a mouse. This is a keyboard. This is a monitor. This is CPU. These are speakers. And this is a printer. Okay? Okay, now one by one, write down the spellings. Look here, the first one is, the arrow is coming from this side. ये arrow यहाँ से आ रहा है, देखिए. इसका नाम क्या है? Speakers. क्या है ये? Next वाला करो. Speakers. So write down the spelling of speaker. S-P-E-A-K-E-R. Speaker. Now come to the second one. This is what? This is monitor. Okay? M-O-N-I-T-O-R. Monitor. Speakers की help से हम music को सुनते हैं, sound को सुनते हैं. मॉनिटर की हेल्प से हम कोई भी चीज़ देख पाते हैं, वीडियो देख पाते हैं, मूवी देख पाते हैं. ओके, तो ये एक टीवी की तरह होता है. दिस इज अ टीवी लाइक. ओके, टीवी की तरह है ना ये, देखिए. इसी को कहते हैं मॉनिटर. नाउ कम टू द थर्ड वन. दिस इज CPU. CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर का ब्रेन होता है CPU. राइट डाउन CPU. The fourth one is the arrow fourth. Come from this side. Look here. This is what? This is a printer. ये printer होता है, इसमें paper print होकर के निकलता है. Okay, तो printer की help से हम paper को print करते हैं, ठीक है? So write down the spelling of printer. That is P-R-I-N-T-E-R. Printer. Now come to the fifth one, that is K-E-Y, key, B-O-A-R-D, board, keyboard. This is a keyboard, जिस पे बहुत सारी keys होती हैं. Write down the spelling of keyboard, K-E-Y, key, B-O-A-R-D, board, keyboard. Now come to the sixth one, this is mouse. इसकी help से हम click करते हैं. M-O-U-S-E, mouse. M-O-U-S-E, mouse. Okay. Now look here, यहाँ लिखा है CPU means the central processing unit. CPU का मतलब होता है central processing unit, CPU. It is the brain of the computer. ये computer का brain होता है, दिमाग होता है computer का, ठीक है? Now come to the second question. Here are some other items used with a computer. यहाँ पे कुछ और items भी हैं जो computer के साथ use किए जाते हैं. Use the clue box to name them. Clue box का use करिए उनको नाम देने के लिए. तो चलिए अब हम इनका नाम देंगे. Okay, so first one is pen drive. बेटा ये एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो हम कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है?
तो ये क्या होती है, पेन ड्राइव, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीडी भी कहते हैं क्लास, ठीक है, पेन ड्राइव पीडी, ओके। तो स्पेलिंग ऑफ पेन ड्राइव इज लुक हियर PENDRIVE पेन ड्राइव। द सेकेंड वन इज दिस इज अ CD, कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर DVD। CD और DVD दो चीज़ें होती हैं, फ़र्क इतना होता है कि CD में सिर्फ हम कम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं और DVD में हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो CD और DVD। एंड दिस वन इज हेडफोन्स। हेडफोन्स वो होते हैं जिसको हाँ जिसकी हेल्प से हम सॉन्ग सुनते हैं, तो ये हम कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं और सॉन्ग्स म्यूजिक सुन सकते हैं। HEAD हेड, PHONES फोन्स, हेडफोन्स। ओके चिल्ड्रन, बाय एवरीवन।